वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस आर यूट्यूब चैनल पर। और हम आ चुके हैं अभी लाइव एक नए सेशन के साथ में, मिक्स प्रैक्टिस मॉक टेस्ट का पार्ट नंबर हमारा सेकंड लास्ट पार्ट लेकर आपके सामने लाइव आ चुके हैं। मिक्स प्रैक्टिस का क्लास नंबर हमारा 11 जरूर है, लेकिन आपका मॉक टेस्ट का सेकेंड लास्ट पार्ट है। दो मॉक टेस्ट हमने आपको दो पार्ट में, टोटल 12 पार्ट में कवर करवाने हैं, जिसमें से एक जो पार्ट है, एक जो मॉक टेस्ट है, वो हमारा कंप्लीट हो गया था। पहले 6 पार्ट के अंदर 20-20 क्वेश्चन हमने करवाए हैं। आज आपको फिर से हम 20 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, शानदार लेवल के क्वेश्चंस कंटेंट के साथ में ये सेशन आपका होता है। इस सेशन का मतलब ये नहीं होता है कि बेटा आपको क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आए, है ना। हमारा पास या फेल करने का मुद्दा नहीं होता है, बस ये होता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन हमें दिखाने होते हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आप पेपर में आ जाए तो किस तरीके से आप रिएक्ट करने वाले हो क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो करते हैं आज का सेशन शुरू। क्लास का जो नंबर है वो है हमारा 11th नंबर का क्लास। डेली बेसिस पे हमारी जो क्लासेस हैं, अभी दो क्लासेस हैं, 9 AM पर जो हमारी क्लास होती है वो तो होती है हमारी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस की क्लास होती है, और 4 PM पर जो हमारी क्लास होती है वो होती है मिक्स प्रैक्टिस की क्लास, मतलब मॉक टेस्ट का एक पार्ट हम यहाँ पर लेकर आते हैं। संडे को आप लोगों के लिए एक शानदार लेवल के महायज्ञ का आयोजन हमने करा है, तो आप सभी लोगों से हमें उम्मीद है कि आप उसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए ही वो क्लास हमने लगाई है। कंटेंट सुपर लेवल मिलेगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कॉन्सेप्ट रिपीट होता है ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये जो क्लास हम आपको करवा रहे हैं यहाँ पर, ये आपको मिलेगी नोट्स बेच में। इस नोट्स बेच का और फायदा यह है कि इसमें कंप्लीट कॉन्सेप्ट का नोट्स है, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट है, मिक्स मॉक टेस्ट है। अभी हाल फिलहाल जो हमने NDA फर्स्ट 2024 के लिए जब से हमने कोर्स स्टार्ट करा था, उसमें हमने पहले प्रज्ञान बेच स्टार्ट करा था, और प्रज्ञान बेच के बाद में हमने टारगेट बेच इनिशिएट करा। दोनों बेच हमने कंप्लीट करवाए, दोनों बेच एक ही साथ में, एक ही बेच में दो बेचेज का कोर्स, दो बेचेज का कॉन्टेंट आपको इस बेच के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन दोनों का फायदा उठा सकते हैं। मैं चाहूंगा कि जो भी हमारे सोल्जर्स जो आ चुके हैं क्लास में लाइव, एक बार पूरे जोश के साथ में कमेंट में आप लोग टाइप कर दें, आई लव माई पेरेंट्स। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक लेंगे, ठोकरे कहती है मारा जाएगा, और हौसले कहते हैं देख लेंगे। हमेशा अपना कॉन्फिडेंस टॉप लेवल पर रखो। अगर आपका कॉन्फिडेंस टॉप लेवल पर रहेगा, विश्वास, मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सारी चीजें अगर आप अंदर से खुश फील होने की कोशिश करोगे, फीलिंग्स, पॉजिटिव वाइब्स अगर आएगी, तो उस कंडीशन के अंदर क्वेश्चन आपका कितना ही हार्ड क्वेश्चन है वो दिमाग में सेट बैठ जाएगा। कई बार हमारा मूड खराब होता है तो फिर इजी सा जो क्वेश्चन होता है वो भी हमसे नहीं होता, और ऐसा ही आपके साथ में होता है। मूड को सही रखो, बिल्कुल पॉजिटिव रखो, है ना, खुश रखो। चाहे कॉमेडी कुछ देखनी पड़े, जोक आपको सुनना पड़े, माइंड को जितना आप पॉजिटिव रखने की कोशिश करोगे, मोटिवेट होकर काम करने की कोशिश करोगे, आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएंगे। ठीक है, चलो भाई, आज की क्लास का पहला सवाल आपके सामने मैं प्रकट कर रहा हूं, जवाब जरा देना क्या होगा इसका राइट आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। टाइमर के साथ में हम क्लास की शुरुआत करेंगे। लो जी, 25 सेकंड्स का टाइम हम आपको दे रहे हैं, देखते हैं इस टाइम में आप लोग कर पाएंगे। शायद मुझे पता है कि नहीं तो नहीं कर पाओगे हालांकि, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। चलो जी, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। पोल हमारा एक्टिव है, टाइम आपके पास दे दिया था, टाइम आपका कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन को करने के लिए। गोपाल जी रंगवाले का एड्रेस मांग रहे हो बेटा। यहां पर आप देखो 7π/8 है, अगर आप यहां पर आप कर दें कि पाई माइनस, यहां पर पाई माइनस पाई बाई 8 कर दें, सोचो अगर आप यहां पर पाई माइनस पाई बाई 8 अगर कर दोगे तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये क्वाड्रेंट होगा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में कोस किसका होता है, माइनस का, और माइनस का अगर होगा तो पावर 4 की वजह से प्लस में आ जाएगा। तो ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म सेम, ये वाली टर्म सेम हो जाएगी, तो मैं डायरेक्ट इसको कर देता हूं 2 into cos की पावर 4 पाई बाई 8 और प्लस cos की पावर 4 3π/8 में इसको कर देता हूं, ऐसा कर देता हूं। ठीक है, अब ये जो cos की पावर 4 लिखा हुआ है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर का होल स्क्वायर, और cos स्क्वायर को हम लिखेंगे 1 plus cos 2x/2 लिख देंगे, 1 plus cos, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे π/4 और अपॉन 2 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। सही है, एक स्क्वायर से 1 plus cos 2x/2 हो गया।
दूसरे के अंदर हम अगर सोल्व करेंगे तो वो आएगा 1 प्लस कोस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा हमारा 3 पाई बाई 4 अपॉन 2 और उसकी पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो 2 तो हमारा मल्टीप्लाई में, यहां पर 1 बाई रूट 2 आएगा कोस पाई बाई 4 का वैल्यू। एलसीएम अगर आप लेते हो तो आएगा रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, इसका आपको स्क्वायर करना है। और यहां से अगर आप इसको सोल्व करोगे पाई माइनस पाई बाई 4 तो आएगा हमारा रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 आ जाएगा, इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। सही है, तो 2 रूट 2 का स्क्वायर करोगे 8, तो 2 अपॉन 8 आ जाएगा। अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, अगर आप इसका स्क्वायर करते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, इससे ये वाला पार्ट हमारा कैंसिल, 3 3 6, तो आ जाएगा हमारे पास 6/4। 6/4 का मतलब है 3/2। इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन आएगा, सॉरी सी ऑप्शन हमारे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब आ गया ना देखो सबके, हाँ मेरे आंसर आते आ जाता है, ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है। टेन इनवर्स एन प्लस कोट इनवर्स एन प्लस 1, दोनों को आपको सोल्व करना है, कोट इनवर्स में या टेन इनवर्स में से किसी में भी आपको चेंज करना है, आंसर निकालना है, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। हो गया, चलो बढ़िया बात है। ये दूसरा वाला जो कोट इनवर्स है, इस कोट इनवर्स को आप लिख दो टेन इनवर्स में चेंज कर दो, तो ये पहले वाला तो है हमारा टेन इनवर्स एन प्लस दूसरे कोट इनवर्स को अगर आप टेन इनवर्स में चेंज करोगे तो टेन इनवर्स 1 अपॉन एन प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा। सही है, इन दोनों के अंदर हम फॉर्मूला लगाएंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। जब टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगाओगे तो आएगा एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई आ जाएगा, ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। एलसीएम अगर हम लेते हैं तो आएगा एन स्क्वायर प्लस का एन प्लस का 1, इस एलसीएम से ये एलसीएम कैंसिल, यहां पर आएगा एन प्लस 1 माइनस एन, यहां से ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और आएगा टेन इनवर्स। तो टेन इनवर्स के अंदर आएगा एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर आएगा, सी ऑप्शन हमारे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपका पेपर में आ चुका है, मैंने करवा भी दिया ऐसा क्वेश्चन, करवा भी रखा है ऐसा एज इट इज क्वेश्चन, आपको करवा रखा है कॉन्सेप्ट की क्लास में। लगाओ दिमाग और जवाब दो। ये सबटेंडेड एंगल का केस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और इनके रिगार्डिंग कल जो PYQs जो हैं वो हम कल के सेशन में आपको और करवाएंगे। ठीक है, कल जो आपका सुबह 9 AM पर जो सेशन आता है उस सेशन में हाइट एंड डिस्टेंस, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, इसके क्वेश्चन आपके बाइनरी नंबर के, लॉगरिथम के, कुछ और मिसलेनियस क्वेश्चन जो आते हैं वो हम कल सुबह की 9 AM की क्लास में करवाएंगे। आपको दे रखा है 80 मीटर ऊंची एक मीनार है, यहां से यहां तक आपको दे रखा है 80 मीटर ऊंची एक मीनार है, और उस मीनार के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, ये लो जी इस मीनार के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, ये झंडा लगा हुआ है, और आपको दे रखा है 100 मीटर दूरी पर, इस मीनार से 100 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर एक बिंदु पर ये झंडा टेन इनवर्स 1/9 कोण अंतरित करता है। मतलब जो कोण सबटेंडेड एंगल वाला केस आता है, सबटेंडेड एंगल जैसे कोई ये पेन है एक पॉइंट पर सबटेंड कर रहा है एंगल, तो इस पॉइंट के जो पॉइंट आपको जिसका एंगल सबटेंड हो रहा है उसका एंड पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट इन दोनों को किसी फिक्स पॉइंट पर जाके मिलाओगे वो होता है एंगल सबटेंडेड होता है। तो इस झंडे के रेस्पेक्ट में सबटेंडेड एंगल क्या होगा, इसका टॉप एंड बॉटम इन दोनों को एक फिक्स पॉइंट पे मैच कर दो, बॉटम को मैच कर दिया, टॉप को भी अगर आप मैच करोगे तो ये जो एंगल होगा वो होगा सबटेंडेड एंगल होगा। और इस एंगल को अगर मैं अल्फा मानूं तो अल्फा बराबर आपको दे रखा है टेन इनवर्स 1/9 दे रखा है, आप टेन इनवर्स को इधर ट्रांसफर करोगे तो आएगा हमारा टेन अल्फा, और टेन अल्फा बराबर होगा 1/9 होगा। ठीक है, आपको झंडे की ऊंचाई बतानी है, झंडे की ऊंचाई को हम मान लेते हैं यहां से यहां तक एच मान लेते हैं। ठीक है जी, अच्छा ये वाला एंगल हमें नहीं दे रखा है, ये वाला एंगल भी हम मान लेते हैं बीटा, और यहां से यहां तक आपको दे रखा है 100 दे रखा है। ठीक है, 100 दे रखा है। चलो अगर आप इस वाले ट्राइंगल में फॉर्मूला लगाते हो टेन बीटा का, तो टेन बीटा बराबर होगा हमारे पास क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, और इसको अगर आप सोल्व करोगे तो 4/5 आ जाएगा। आ गई बात समझ में।
अच्छा अगर मैं इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में फॉर्मूला लगाऊं, इस पूरे एंगल को अगर मैं अल्फा प्लस बीटा मानकर फॉर्मूला लगाऊं, तो टेन पूरा एंगल, ये वाला एंगल अल्फा था ये बीटा, तो पूरा एंगल अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है हमारे पास 80 प्लस एच अपॉन बेस जो है वो है हमारे पास 100। अच्छा टेन अल्फा प्लस बीटा को आप कैसे सोल्व करोगे, टेन अल्फा प्लस बीटा को सोल्व करोगे टेन अल्फा प्लस का टेन बीटा और अपॉन वन माइनस का टेन अल्फा और इनटू आएगा हमारे पास टेन बीटा बराबर आएगा 80 प्लस एच अपॉन 100 होगा, सही है। अच्छा आपको टेन अल्फा का वैल्यू भी है, टेन बीटा का वैल्यू भी है ना, आप यहां से ऑलरेडी टेन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं और वो वैल्यू आएगा हमारे पास 1/9 प्लस का 4/5 और 1-4/45 आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा हमारे पास 5 प्लस का 36 और 41 माइनस 4 अगर आप सोल्व कर, सॉरी 45 माइनस 4 अगर आप सोल्व करोगे तो ये भी हमारे पास 41 आ जाएगा, है ना, ये इससे कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका पूरे का वैल्यू आ रहा है 100 बराबर आएगा हमारा 80 प्लस एच, यहां से एच बराबर हमारे पास आएगा 20 मीटर, झंडे की जो ऊंचाई है वो कितनी आएगी, 20 मीटर आ जाएगी। आ गया बेटा समझ में, है क्लियर हो गया। चलो आप इसके अंदर फॉर्मूला वो भी लगा सकते हो, एक एंगल है अगर टेन अल्फा बराबर, टेन अल्फा बराबर एम अपॉन एम प्लस वन है और टेन बीटा बराबर, टेन बीटा बराबर 1/2m+1 है तो वो केस भी लग जाएगा, उस केस में इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 45 होता है। तो ये वाला एंगल आपको पता चल गया, पूरा एंगल क्या है, 45 है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, लो बताओ आपको दे रखा है 9 भुजाओं का एक सम बहुभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 2 इकाई है, एक वृत्त इसके अंदर बना हुआ है, वृत्त की त्रिज्या आपको निकालनी है, सर्कम सर्किल की रेडियस आपको निकालनी है, सर्कम सर्किल की रेडियस क्या होगी, लगाओ दिमाग और जवाब दो, सर्कम सर्किल का रेडियस क्या होगा, टाइम आपका खत्म है। जैसे मान लो कोई भी हमारे पास कोई पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है इस तरीके से, उसके अंदर बहुत सारी साइड्स है, ऐसे बहुत सारी साइड्स उसके अंदर है और उसके अंदर यदि हम उसको इंटरनली टच करने वाला कोई सर्किल बनाते हैं, अगर आपको ऐसा दे रखा है ये जो पॉलीगन है इस पॉलीगन की साइड आपको दे रखी है ना, इस पॉलीगन की साइड अगर आपको ए दे रखी है और इसकी रेडियस अगर आपके पास आर है तो आर बराबर होता है हमारा ए अपॉन टू कोसेक पाई अपॉन एन होता है। कोसेक पाई अपॉन एन होगा, तो आपके पास दे रखी है प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है, 2, तो आएगा 2/2 और कोसेक पाई अपॉन एन, पाई एन का मतलब है नंबर ऑफ साइड्स, ये से कैंसिल तो आ जाएगा कोसेक पाई अपॉन एन आ जाएगा, ए ऑप्शन हमारे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है क्या बेटा, है क्या होता है, कोट पाई अपॉन एन होता है, हाँ तो ऐसा होगा शायद फॉर्मूला, ऐसा होगा फॉर्मूला, आर बराबर होता है हमारा आर बराबर स्मॉल आर, एक मिनट वॉइस गायब हुई, सही आ रही वो इस आर बराबर ये इन सर्किल की जो रेडियस होती है ना, इन रेडियस का फॉर्मूला तो हमारे पास होता है आर बराबर ए अपॉन टू कोट पाई अपॉन एन होता है ना, और यदि आपको इसके सर्कम सर्किल की रेडियस अगर निकालनी है कैपिटल आर, वो होता है आर बराबर ए अपॉन टू कोसेक पाई अपॉन एन होता है, दोनों फॉर्मूले ध्यान रख लेना, ये सर्कम रेडियस है ये इन रेडियस है, ए का मतलब है साइड की लेंथ, साइड की लेंथ कितनी है 2, तो 2/2, एन का मतलब है नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स 9 है, तो आएगा कोट पाई अपॉन एन आ जाएगा, ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर होगा, ठीक है क्या, अंदर वाले के लिए कोट होगा और बाहर वाले के लिए क्या होगा, कोसेक होगा, अब सही है। चलो कोई बात नहीं, हो जाता कई बार फॉर्मुलों में कंफ्यूजन। लॉगरिथम का क्वेश्चन है, जरा इसकी फाइल को भी आप फिनिश करिए, लगाइए और बताइए जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, इस क्वेश्चन का जवाब दो, लॉग पी बेस 5 बराबर आपको दे रखा है ए, लॉग क्यू बेस 2 बराबर आपको दे रखा है ए, आपको पी और क्यू का वैल्यू देकर वैल्यू पूछा गया है, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा, क्या हो गया इसका वैल्यू क्या होगा,
चलो जी, टाइम आपका खत्म है, टाइम आपका चल रहा है, हैं? अगर ये आपको दे रखा है लॉग पी और बेस में है फाइव बराबर आपको क्या दे रखा है, यहां से लॉग फाइव को हटा दो, इस लॉग को रिमूव करोगे तो बेस आप क्या ले लोगे, फाइव ले लोगे, इसका वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, वन, तो पी बराबर हमारे पास आ जाएगा फाइव की पावर ए हो जाएगा। सेम उसी तरीके से लॉग का जो बेस है वो तो है टू, इनपुट है हमारे पास क्यू बराबर क्या आएगा ए, यहां से लॉग टू को हटाओगे तो बेस आपको क्या ले लेना है टू, तो ये हमारे पास हटेगा तो क्यू बराबर हमारे पास आ जाएगा टू की पावर ए आ जाएगा। पी बराबर फाइव की पावर ए, क्यू बराबर आपका टू की पावर ए, आप दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो पी का वैल्यू होगा फाइव की पावर ए, फाइव की पावर ए की पावर फोर, क्यू का वैल्यू होगा टू की पावर ए की पावर फोर, और नीचे होगा हमारे पास हंड्रेड होगा, ठीक है। ये पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो दोनों की पावर फोर ए फोर ए आ जाएगी, मतलब ये आ जाएगा हमारा फाइव की पावर फोर ए इंटू टू की पावर फोर ए और अपॉन हमारे पास क्या होगा हंड्रेड होगा। अच्छा यहाँ पर देखो दोनों की पावर बराबर है तो बेस मल्टीपल में आ जाएगा तो टेन की पावर फोर ए अपॉन हंड्रेड आ जाएगा, टेन की पावर फोर ए अपॉन हंड्रेड आ जाएगा, आया क्या, टेन की पावर फोर ए अपॉन हंड्रेड। अच्छा इसको आप और किस तरीके से लिख सकते हो, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, टेन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है क्या, और नीचे टेन की पावर टू है तो ये हंड्रेड हो गया, और अच्छा अच्छा फिफ्टी की पावर, तो इसमें तो भाई साहब आंसर नहीं आएगा, आंसर नन ऑफ दी जाएगा इसका, तो है कौन सा आ रहा है, ए ऑप्शन मिल रहा है टू ए माइनस वन, यहां पर हंड्रेड है जबकि यहां पर, अच्छा यहां पर हंड्रेड ही लिख लो फिर आप, है ना, 100 लिख लो, 10 की पावर मत लिखो, तो आएगा 100 की पावर 2a माइनस 1, सही है माइनस 1 आएगा, 100 की पावर 2a माइनस 1 ए ऑप्शन आ जाएगा, सही है क्या, क्लियर, हाँ ए ऑप्शन मिल जाएगा, ए ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे यार मैंने टाइमर बंद कर दिया, किसी वर्ग समीकरण को हल करते समय एक विद्यार्थी ने अचर पद को गलत पढ़कर दो मूल तीन और दो निकाले, दूसरे स्टूडेंट ने अचर पद व एक्स स्क्वायर का गुणांक तो सही पढ़ा अर्थात क्रम से माइनस का छह व एक लिए, तो सही मूल क्या है, एक बार इंग्लिश में पढ़ लेना बेटा, है ना, हो सकता है कई बार ट्रांसलेशन में एरर हो जाती है। टू स्टूडेंट्स व्हाइल सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, वन कॉपीड द कांस्टेंट टर्म इनकरेक्टली, पहले ने कांस्टेंट टर्म को गलत पढ़ा और उसने रूट तीन और दो प्राप्त किए, द अदर कॉपीड द कॉन्स्टेंट टर्म एंड कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर करेक्टली एज माइनस सिक्स एंड वन रेस्पेक्टिवली, तो आपको बताना है करेक्ट रूट क्या होंगे अर्थात क्रम से माइनस छह और एक लिए, तो सही मूल आपको बताने हैं क्या होंगे, बताओ समझ में आ रहा है सवाल कुछ, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भैया ना, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर से एक विद्यार्थी ने अचर पद, सोचो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है, ऐसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इस इक्वेशन के अंदर रूट्स का सम यदि हम निकालें तो वो होता है अल्फा प्लस बीटा और वो होता है माइनस का बी अपोन ए, और रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है हमारा सी अपोन ए। किसी वर्ग समीकरण को हल किया उसने और विद्यार्थी ने अचर पद को गलत पढ़ा, अचर पद को जब भी कांस्टेंट को गलत पढ़ा जाएगा उस कंडीशन में, देखो ये कांस्टेंट किस में काम में आता है, ये काम में आता है प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में जो टर्म आ रही है वो गलत है तो हम प्रोडक्ट पढ़ेंगे नहीं उससे, हम क्या पढ़ेंगे उससे सम पढ़ेंगे, मतलब मूलों का जो योग है वो उसने सही पढ़ा और मूलों का योग क्या होगा सम ऑफ रूट्स, तीन प्लस दो मूलों का योग आप सही पढ़ सकते हो वहां से और वो कितना होगा पांच होगा। दूसरे विद्यार्थी ने अचर पद व एक्स स्क्वायर का गुणांक गलत पढ़ा का सही पढ़ा, एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट जो है वो उसने सही पढ़े दोनों माइनस एक और छह थे, तो इसका मतलब उसने कांस्टेंट को और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को सही पढ़ा है, उसका मतलब उसने प्रोडक्ट सही पढ़ा है, उसने सम गलत पढ़ लिया, तो प्रोडक्ट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो रूट उसके पास कितने आए थे माइनस छह और एक, तो इसका मतलब प्रोडक्ट अगर आप करोगे इनका तो माइनस का छह आ जाएगा, सम आ गया प्रोडक्ट आ गया, इक्वेशन निकाल लो, इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट बराबर जीरो, इसके फैक्टर बना लो, एक्स स्क्वायर माइनस का छः एक्स प्लस का एक्स माइनस छः बराबर जीरो,
एक्स यहां से कॉमन लोगे तो एक्स माइनस का 6 प्लस 1 कॉमन लोगे, एक्स माइनस 6 बराबर 0। तो यहां से एक्स बराबर आएगा हमारा 6 और एक्स बराबर आएगा हमारा माइनस 1। एक्स इक्वल टू 6 और एक्स इक्वल टू माइनस 1। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। फिर से मैं एक चीज बता दूं आपको बेटा, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉन्स्टेंट को गलत पढ़ रहा है तो इसका मतलब वो सम को सही पड़ेगा, क्योंकि सम जब हम करते हैं उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं आती। अगर वो एक्स का कोएफिशिएंट गलत पड़ रहा है तो एक्स का कोएफिशिएंट काम में आता है सम में, तो इसका मतलब वो सम को गलत पड़ रहा है, वो प्रोडक्ट को सही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको दो अलग अलग कंडीशन से सम एंड प्रोडक्ट निकालना है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लगाओ दिमाग और बताओ जवाब। क्वेश्चन नंबर 7, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस रूट 3 आयोटा 1 प्लस आयोटा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का आपको बताना है एम्पलीट्यूड। आसान सा सवाल है, अगर आपको प्रॉपर्टीज आती है तो आराम से आप कर सकते हो, प्रॉपर्टीज आती है तो आराम से क्वेश्चन को कर लोगे। अगर आपके पास बहुत सारी कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 है, Z2 है, Z3 है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका आर्ग्यूमेंट अगर आपको निकालना है तो उस कंडीशन में सबका आर्ग्यूमेंट निकाल कर आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। सबका आर्ग्यूमेंट निकाल कर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। आगे बात समझ में, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हमारी मल्टीप्लाई में है, उनका आर्ग्यूमेंट हमें निकालना है तो तीनों का अलग अलग आर्ग्यूमेंट निकाल कर फिर हम प्लस करेंगे। तो पहली कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस रूट 3 आयोटा, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ सेकंड नंबर 1 प्लस आयोटा और आर्ग्यूमेंट ऑफ थर्ड नंबर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अच्छा, आर्ग्यूमेंट निकालते कैसे हैं, आर्ग्यूमेंट निकालते हैं टेन इनवर्स वाई अपोन एक्स निकालते हैं अंडर रूट 3/1, दूसरे के अंदर से अगर हम सोल्व करेंगे टेन इनवर्स 1/n, तीसरे में से अगर हम सोल्व करेंगे तो आएगा टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा हमारा टेन थीटा हो जाएगा। यहां से टेन इनवर्स रूट 3 का मतलब होगा हमारा पाई बाई 3 होगा, टेन इनवर्स 1 का मतलब होगा पाई बाई 4, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा थीटा। इसको सोल्व करोगे तो 7π/12 प्लस का थीटा हमारे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा, 7π/12 प्लस थीटा, बी ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर। केवल प्रॉपर्टी का यूज है, प्रॉपर्टी का यूज किया है मैंने और कुछ भी नहीं करा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। आपको दे रखा है एक जीपी है और उस जीपी के तीन टर्म्स का सम तो है एस और उनका जो प्रोडक्ट है वो है पी, इन पदों के व्युत्क्रमों का योगफल जो है वो है आर, तो पी स्क्वायर इंटू आर क्यूब का वैल्यू आपको बताना है क्या होगा, पी स्क्वायर इंटू आर क्यूब का वैल्यू क्या होगा। चलो लगाओ दिमाग, क्वेश्चन नंबर 8 में आ गए, क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, अब रिपीट अभी नहीं हो पाएगा, बाद में देखते हैं। जीपी के तीन टर्म्स का सम एस प्रोडक्ट पी है और उनके व्युत्क्रमों का योगफल है आर, तो ऐसे केस में सबसे आसान तरीका है कि आप जीपी की तीन टर्म्स मान लो। ठीक है, लेट टर्म्स ऑफ जीपी, एक है एक होगा, दूसरा दो होगा, तीसरा आर हो चार होगा। जीपी के तीन टर्म जो हैं वो आप एक दो चार मान सकते हो, एक दो चार मान सकते हो, है ना, जीपी के टर्म्स मान ली। आपको बोला है इन पदों का योगफल जो है वो है एस, इन पदों का योगफल अगर आप करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आपको दे रखा है इन पदों का गुणनफल जो है वो है पी, इन टर्म्स का प्रोडक्ट अगर आप करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, पी आएगा। आपको क्या दे रखा है, इनके व्युत्क्रमों का योगफल 1 + 1/2 + 1/4, इन टर्म्स का सम अगर आप करोगे तो एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम ले लिया, 4 + 2 + 1, 4 2 6 और 1 7, तो इसका मतलब 7/4 हो जाएगा, 7/4। ठीक है, एस पी आर आ गया, आप यहां पर वैल्यू पुट करो तो पी स्क्वायर इंटू आर क्यूब आ जाएगा, पी स्क्वायर इसका स्क्वायर करोगे 64, आर का क्यूब करो इसका क्यूब करोगे 7 का क्यूब करोगे, 7 का क्यूब अपॉन 4 का क्यूब 64, ये इससे कैंसिल 49, तो आएगा 243 आएगा। ठीक है, अच्छा ये ऑप्शन में रख के देख लेते हैं किस में आता है। यहां पर यदि आप एस का वैल्यू रखोगे तो ये 7 आएगा, ये 2 × 49 आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 243, है ना, सही है क्या, 49, हाँ 343 आएगा, सही है क्या, 49 × यदि हम 7 करते हैं, 9 7 63, 6 7 4 28 और 6
28 और से कितने होते हैं 343, तो 343 आएगा, सही है। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, एस क्यूब के बराबर आएगा, एस क्यूब के बराबर आ जाएगा बी ऑप्शन। हिट एंड ट्रायल अप्रोच, हिट एंड ट्रायल अप्रोच हमने लगाई है, हम हमारी इच्छा से कोई टर्म मान सकते हैं जीपी के, ऐसा नहीं मानते हो तो 248 मान लो, है ना, कैसे मान लो, सिंपलेस्ट फॉर्म में मानना होता आंसर आएगा। एक अलग टाइप का सवाल आपकी नजरों के सामने, जहां पर लैंग्वेज हमें क्वेश्चन में घुमाती है, लैंग्वेज ऐसी है इस क्वेश्चन के अंदर, आप पढ़ो, हालांकि क्वेश्चन सिंपल है, बस इसकी लैंग्वेज जो है ना वो तुम्हें दिमाग खराब करने के लिए मजबूर करेगी। कैसे पता चलेगा ये, तो बेटा बार 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 कैलकुलेशन प्रैक्टिस अगर हम करते हैं ना तो आइडिया हो जाता है। हाँ जी, आपको दे रखा है टोटल 11 जानवर हैं और 11 ही पिंजरे हैं, यदि उनमें से 6 जानवरों के लिए 4 पिंजरे बहुत छोटे हैं, 6 जानवर क्या है मोटे हैं और 4 पिंजरे बहुत छोटे हैं, तो इसका मतलब छोटे पिंजरे कितने हैं 4 और बड़े जानवर कितने हैं 6। इस सवाल को बहुत बढ़िया तरीके से आप समझ सकते हो कि टोटल जो जानवर हैं वो कितने हैं 11 है, और पिंजरे कितने हैं केजेस वो है हमारे पास 11 है। आपको ये बोला है कि 6 जानवर हैं मोटे मोटे, उनके लिए 4 पिंजरे छोटे हैं, तो उसका मतलब टोटल जो केजेस हैं उन केजेस के अंदर से स्मॉल केजेस कितने हैं जी 4 केजेस है ना, 4 पिंजरे छोटे हैं उनके लिए, तो इसका मतलब 4 तो छोटे होंगे और बिग केजेस जो होंगे वो हमारे पास कितने होंगे, वो होंगे हमारे पास 7 होंगे, ठीक है जी। इसने बोला 6 जानवर मोटे हैं, तो इसका मतलब मैं बोल दूं मोटे जानवर है ना, मोटे जानवर और यहां पे लिख देता हूं मैं छोटे जानवर, है ना। अच्छा, मोटे जानवर कितने हैं 6, तो छोटे जानवर कितने होंगे भाई 5 होंगे। आपको मोटे जानवरों को पहले अरेंज करना है ना, मोटे जानवर मोटे पिंजरों में ही आ सकते हैं और छोटे जानवर छोटे और मोटे दोनों टाइप के केजेस के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास मोटे पिंजरे कितने हैं और मोटे जानवर कितने हैं, तो 7 इन पिंजरों के अंदर पहले इन मोटे वालों को सेट कर दो, तो वो हो जाएगा 7P6 टाइप से। अब बच्चे कितने 6-7 पिंजरे थे, उनमें से 6 में हमने अरेंज कर दिया भाई, 7 में 6 पिंजरे तो अरेंज हो गए, एक पिंजरा उसमें बच गया और 4 पिंजरे ये थे, तो इसका मतलब 5 हमारे पास पिंजरे बच गए और जानवर भी कितने बचे 5 जानवर बचे। पांचों जानवरों को जो बच गए हैं उनको अरेंज कर देंगे फैक्टोरियल 5 से, तो राइट आंसर आएगा हमारा ए ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आया? अरे यार, छोटा जानवर है उसको बड़े पिंजरे में रखने में क्या ही दिक्कत है आपको, जगह बच जाने दो। मोटा जो जानवर है ना उसको छोटे पिंजरे में नहीं रख सकते आप, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज इस लेवल की है, आंसर छोटा सा है लेकिन लैंग्वेज टॉप लेवल की है। किसी में आप a अपॉन r a ar, बेटा उस a अपॉन r a और ar उसमें मानते हैं जिसमें सम एंड प्रोडक्ट दे रखा हो, ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट दे रखा हो, ठीक है रे, कॉम्बिनेशन नहीं है बेटा, अरेंज करना है उनको, अरेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको a0 और a6 का वैल्यू निकालना है, a0 और a6 का वैल्यू क्या होगा। परमुटेशन क्यों लिया, अरे अरेंज करना है भाई, बताओ क्या आंसर आएगा आपको। देखो a0 क्या आएगा, a0 कैसे आ सकता है, a0 का मतलब है कांस्टेंट टर्म, है ना, कांस्टेंट टर्म कैसे आ सकती है, कांस्टेंट टर्म कब आ सकती है, जब हम इसके अंदर पूरे में x बराबर 0 रख दें दोनों तरफ, तो ये जो इसके पीछे वाली सारी टर्म है ना, उन सारी टर्म के अंदर क्या आ रहा है, x आ रहा है और इसके अंदर भी x है। अगर मैं x बराबर 0 पुट कर दूं, इसमें 0 पुट कर दूं, तो इधर वाले सारे क्या हो जाएंगे 0, ए 0 बचेगा, इसमें 0 पुट करने पर ये 0, तो a0 का वैल्यू तो कितना आएगा 0, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अब रही बात a6 की, अच्छा a6 के अंदर आप बताओ x की टोटल पावर कितनी आएगी, a6 में x की पावर कितनी आएगी बोलो। अरे यार, a1 के अंदर x की पावर 1 है, a2 में x की पावर 2 है, a12 में x की पावर 12 है, तो a6 में क्या आएगा,
a6 में आएगा x की पावर 6 आएगा, तो इसका मतलब x की पावर 6 का कोफिशियंट आपको निकालना है। तो पहले हम इसमें जनरल टर्म निकालेंगे, 2x माइनस 3x स्क्वायर उसकी पावर है 6। अगर हम इसमें जनरल टर्म निकालें, tr प्लस 1 अगर निकालें, तो वो होगा हमारे पास 6cr, पहला जो टर्म है उसकी पावर तो होगी हमारे पास 6 माइनस आर, और दूसरा जो है उसकी पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। आपको टोटल पावर को कलेक्ट करना है, एक्स की टोटल पावर कितनी बनेगी, एक्स की पावर है हमारे पास 6 माइनस आर, ये पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो आएगा हमारा प्लस का 2r, सही है क्या। इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा, हैं, सही है क्या। x की पावर हमें कितनी लानी है, x की पावर हमें टोटल 6 लानी है, सही है, पक्का पक्का। तो यहां से r बराबर हमारे पास फिर तो 0 आ रहा है, हमें x की पावर 6 लानी है तो r बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। r बराबर 0 पुट करो, r बराबर 0 अगर आप पुट करोगे तो ये आ जाएगा 6c0, यहां पर आएगा 2 की पावर 6 आ जाएगा, इसके अंदर इसकी पावर 0 करोगे तो 1 आ जाएगा। 6c0 का वैल्यू होगा 1, 2 की पावर 6 का वैल्यू होगा 64, तो राइट आंसर आएगा हमारा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। एक्सपेंशन थोड़ी ना करना है बावड़ो, अरे एक्सपेंशन नहीं करना, अंदाजा लगाना है, पूरे में एक्सपेंशन करोगे शाम हो जाएगी, समझ गए कैसे किया है, थोड़ा दिमाग लगाना होता है आपको। अगर ऐसा पूछ लेता a9 x की पावर 9 का, मतलब a9 के बारे में पूछ लेता तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि a9 क्या है, वो x की पावर 9 का कोफिशिएंट है, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट, हाँ जी तैयार हो क्या, आप तैयार हो इसके लिए महायज्ञ के लिए, नहा धो के संडे को सुबह 7 बजे क्लास में पहुंच जाना, 17 घंटे लगातार क्लास चलेगी, आपके लेवल पे जो जो क्लासें आपको लेनी है वो क्लासें आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं गुरु जी 17 घंटे हम एक साथ थोड़ी बैठ सकते हैं। तो लास्ट में जैसे ICG वाले बच्चे हैं उनके लिए भी है, तो उनके लिए रीजनिंग है ना, जनरल मैथ्स वगैरह है, तो वो अगर आपको नहीं लेनी तो वो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। बाकी इस क्लास दमदार होगी, कॉन्सेप्ट कॉन्टेंट में आपको पता ही है कि क्वेश्चंस हमारे जो होते हैं वो किस लेवल के होते हैं, ठीक है। तो तैयार रहना, संडे को सुबह 7 बजे मुलाकात होगी, जोर शोर से होगी। और कल आप लोगों के लिए जो क्लास आ रही है, हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल को लल्लू मत समझना, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल एनडीए फर्स्ट 2023 में क्वेश्चन आए थे 7 सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से, तो कल इसके क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। हाइट एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन, कई बार 3 क्वेश्चन, कई बार नहीं भी आता। बाइनरी से कई बार 2 क्वेश्चन, कई बार नहीं भी आता, कई बार 1 क्वेश्चन। एक इसके अलावा हमारा लोगरिथम है, लोगरिथम से जैसे पिछली बार 2 सेशन में क्वेश्चन नहीं आ रहा तो हो सकता है इस बार टपक जाए, तो लोगरिथम के क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन हम कल सुबह 9 AM पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, वन माइनस टेन थीटा 1 और उसकी पावर आपको दे रखी है -1, आपको ए और बी का वैल्यू निकालना है। आसान सवाल है यार, बहुत आसान सवाल है, हाँ जी। तो हम इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे, ये 1, ये माइनस का 10 थीटा, इसके अंदर होगा 10 थीटा और इसके अंदर आएगा 1 आएगा, सही है क्या। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, दूसरी का इन्वर्स अगर आप निकालते हो, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स, तो हम पहले निकालेंगे इसका एडजोइंट, इसका एडजोइंट, इन दोनों को इंटरचेंज, इन दोनों का साइन चेंज, इन दोनों को अगर हम इंटरचेंज करेंगे, 1 ये 1, इन दोनों का साइन चेंज करेंगे तो माइनस का 10 थीटा और ये आ जाएगा हमारा 10 थीटा आ जाएगा, क्लियर हो गया क्या। इसमें इसके डिटर्मिनेंट का डिवाइड करेंगे, डिटर्मिनेंट का डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर थीटा, उसका आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। चलो सेक स्क्वायर, चलो लिख देता हूं मैं, 1 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये हो गया इसका इन्वर्स हो गया। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ये माइनस का 10 स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का 10 स्क्वायर थीटा और इसका जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इसको इससे तो आएगा -10 थीटा -10 थीटा माइनस का 2 टेन थीटा
और अगर आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू का डिवाइड करोगे तो 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा आएगा। दो एलिमेंट आप और निकाल लो, ये एलिमेंट और निकाल लो, ये बराबर होंगे हमारे पास a माइनस बी, बी और a के बराबर होंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर होगा, तो a बराबर, ये फॉर्मूला है हमारा cos 2 थीटा का, और ये जो फॉर्मूला है माइनस से माइनस कटेगा और b बराबर हमारे पास आ जाएगा साइन 2 थीटा। तो a बराबर आएगा cos 2 थीटा एंड b बराबर आएगा हमारा साइन 2 थीटा। राइट आंसर होगा हमारा b ऑप्शन, b ऑप्शन हमारा सही आंसर आएगा। ठीक है, क्या आ गई बात समझ में? हाँ, इसको आप इधर भी ट्रांसफर कर सकते हो, है ना, इसको पीछे की साइड से मल्टीप्लाई करके फिर कंपेरिजन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये सेम थोड़ी है, ये सेम नहीं है, दोनों नहीं है। हाँ जी, सम ऑफ द इन्फिनिटी सीरीज, आपको इस इन्फिनिटी सीरीज का सम कैलकुलेट करना है। कॉलिंग पर बेटा अभी हाल फिलहाल में हम अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। हाँ जी। अच्छा, इसके अंदर से आपने एक प्रॉपर्टी देखी होगी, अगर कोई डिटर्मिनेंट के अंदर एक कॉलम में कुछ एलिमेंट प्लस 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 करते जाए तो हम उनको अलग अलग डिटर्मिनेंट में प्लस कर सकते हैं ना, ऐसी प्रॉपर्टी। सेम यहाँ पर भी आप देखोगे, ये जो 2 और 4 है, ये जो 2 और 4 है, ये 2 और 4 है, ये तो आपके पास सब के अंदर क्या है, कॉमन है। जब सब में कॉमन है तो पहले नंबर वाले जो एलिमेंट है, पहले नंबर वाले एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, ये नंबर वाले जो एलिमेंट है वो ऐड हो जाएंगे। तो इसका मतलब आएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन डॉट 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 इन्फिनिटी तक, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ से है हमारे पास 6 प्लस का 2 और प्लस 2/3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, और यहाँ पर है 4। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको बताना है। यह है इनफाइनाइट सीरीज, अनंत पदों वाली जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसका वैल्यू निकालोगे तो वो होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। ए का वैल्यू है हमारे पास 1, 1 अपॉन 1 माइनस आर, ये इनफाइनाइट जीपी है, सम करोगे ए अपॉन 1 माइनस आर, ऐसा ऐसा आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 आ जाएगा। क्लियर? यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे, ये 2 आएगा, ये 2 आएगा, सोल्व करोगे ये 2/3 आएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 9 और 4, सोल्व कर लो, 4 2 8, 9 2 18, सोल्व करोगे माइनस का 10, हमारे पास क्वेश्चन का सही आंसर है, ए ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है जी, चलो जी, बढ़िया बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आपको दे रखा है ए और बी दो सेट दे रखे हैं, ए और बी दो सेट दे रखे हैं, इनके अंदर से आपको बताना है क्या ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है या ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई है, ऐसी चीजें बतानी है। बताओ, जब भी हमारे पास ये जो दो कर्व दे रखे हैं और इन दोनों कर्व के लिए आपको समझना है, भावनाएं लगानी है, y बराबर e की पावर x, y बराबर है हमारे पास e की पावर x, एक है हमारे पास y बराबर x है। बेटा ये तो y बराबर e की पावर x जो हमारे पास ग्राफ होता है ना, वो ग्राफ बनता है हमारा ऐसा 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 ग्राफ बनता है, और y बराबर x का ग्राफ अगर आप बनाते हो तो y बराबर x का ग्राफ ये, y बराबर x का ग्राफ ये, और y बराबर e की पावर x का ग्राफ ये। इन दोनों ग्राफ के अंदर एक भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। दो ग्राफ जहां पर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दो ग्राफ जहां पर एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, उतने ही नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट होते हैं या इंटरसेक्शन में पॉइंट होते हैं। यहां पर दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब होगा कि नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट, और कोई भी पॉइंट अगर कॉमन नहीं है तो आप बोल सकते हो कि दोनों का इंटरसेक्शन फाई होगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जबरदस्ती मिला देते हैं, ई की पावर एक्स का ग्राफ ये 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 ऐसे मिला देते हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको लगे कि ऐसे कहीं समस्या आ रही है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, y बराबर है e की पावर x और y बराबर है x, दोनों को क्या कर दो, बराबर कर दो। यहां से आपको x की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जहां पर दोनों वैल्यू बराबर आ जाएं। आप सोचो, जैसे x बराबर आप इसमें 0 लिखोगे तो आएगा हमारे पास एक तरफ तो आएगा 1, एक तरफ आएगा 0। x बराबर अगर आप 1 लिखोगे, एक तरफ आएगा e, एक तरफ आएगा 1, ये कभी भी बराबर नहीं आएंगे, कभी भी बराबर नहीं होंगे, e की पावर x और x कभी भी बराबर नहीं होंगे।
तो राइट आंसर आ जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन। ठीक है चलो जी अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लगा पाओगे कि नहीं लगा पाओगे। लगाओ दिमाग। हाँ जी आपको दे रखे हैं 18 अवलोकन है, आवृत्ति वितरण निम्न प्रकार से, माध्य और मानक विचलन 7 और 11 पाए गए। मूल डेटा के साथ तुलना करने पर यह पाया गया कि 12 को 21 रूप से कॉपी किया गया था। सही मानक विचलन आपको निकालना है, करेक्टेड वेरियंस आपको निकालना, करेक्टेड स्टैंडर्ड डिविएशन एंड करेक्टेड मीन आपको निकालना पड़ेगा, तब जाके कैलकुलेशन हमारी हो पाएगी। ठीक है अच्छा आपको दे रखा है एक्स बार, एक्स बार आपको कितना दे रखा है 7, एक्स बार का मतलब, और एन बराबर आपको दे रखा है 18। एक्स बार का मतलब क्या है, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन बराबर होगा हमारे पास 7। यहां से यदि मैं समेशन ऑफ एक्स अगर निकालू सारी संख्याओं का योग तो वो होगा हमारा 7 × 18। आप मल्टीप्लाई करोगे 8 × 7 = 56, 7 × 1 = 7 और 5 × 12 = 126। इसके अंदर ये दे रखा है कि एक अंक को 12 को 21 के रूप में गलत पढ़ लिया गया था। 12 को क्या पढ़ लिया, 21, 21 मतलब 21 गलत है और 12 सही है, तो उसकी तो कमी पूरी करनी पड़ेगी। तो आपको इनका जो योग है वो सही निकालना पड़ेगा। अगर आपको सही योगफल निकालना है इनका, इनका सही योगफल आपको निकालना है तो गलत को हटाओ, 12 को 21 पढ़ा, फिगर 12 वाज मिसकॉपीड बाई 21, तो 21 तो आपने गलत पढ़ा और सही क्या पढ़ा ये, तो इसको आप प्लस करोगे तब जाके हमारे पास सही मीन आ जाएगा। समेशन ऑफ एक्स आपके पास कितना है 126, इसमें से 21 हटाओ 12 को जोड़ दो ताकि आपके पास करेक्टेड संख्या आ जाए, सारी संख्याओं का योग सही आ जाए। तो ऐसा करने से 21 माइनस करोगे तो ये बचेगा 105 बचेगा, 105 के अंदर हम 12 जोड़ेंगे तो 117 हमारे पास आ जाएगा। आया क्या रे बेटा 117, सही है क्या 117 आ गया। नया मीन बताओ कितना आएगा, अगर मैं एक्स बार न्यू की बात करूं, नए मीन की बात करूं, तो वो होगा सारी संख्याओं का योग बटे 18, ये हमारे पास नया वाला मीन आ जाएगा। अच्छा आपको इसी तरीके से मानक विचलन पे भी चलना है। मानक विचलन पे अगर आप बात करते हो तो मानक विचलन सिग्मा स्क्वायर कर दो इसको, है ना, सिग्मा स्क्वायर बराबर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस, नया वाला मीन तो हमारे पास आ गया लेकिन ये जो है अभी एक्स स्क्वायर इसमें एरर है। यहां पर आपको मीन भी सही लिखना पड़ेगा और सही जो मीन है वो हमारे पास है 117/18। ये लो जी थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर है, मैं तरीका बताऊंगा बाकी करना आपको है। ठीक है इसको आप इधर ट्रांसफर करोगे तो हमारे पास इसमें इसका वैल्यू है 18, सिग्मा का जो वैल्यू है, अच्छा यहां पर हमारे पास ओल्ड ही है तो आप ओल्ड को यूज कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। ठीक है सिग्मा का वैल्यू 7/4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 बराबर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन और माइनस, यहां से मीन जो आपको दे रखा है वो नया वाला इसके अंदर से नया वाला मीन आपको माइनस करना 117/18। ठीक है क्या, इसका स्क्वायर इसको आप इधर ट्रांसफर कर दो तो आएगा 16 + 117 का होल स्क्वायर बटे 18 का। और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को सही कैसे करोगे, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को सही करने के लिए जो संख्या आपने गलत पढ़ी उसका स्क्वायर माइनस करो, सही को प्लस करो। 21 को गलत पढ़ा था आपने तो 21 का स्क्वायर आप माइनस करोगे, 12 का स्क्वायर जो है वो आप प्लस करोगे, तब जाके आपके पास सही वैल्यू आएगी एन बराबर है 18। यहां से आप सही समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालो और फिर लास्ट में आपको मानक विचलन निकालना है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, फिर इस पूरे का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, सोल्व करना, आंसर आएगा डी ऑप्शन 2.5। ठीक है क्या, अरे आपको देखो इसमें जो वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस किया 105, 105 प्लस 12 117 ही तो होगा, सही है, नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझना क्या चीज है ये। देखो यहां से अगर आपको मीन के अंदर एक डेटा गलत पढ़ लिया गया तो मीन होता है हमारे पास समेशन एक्स अपॉन एन, पहले हम सारी संख्याओं का योग सही निकालेंगे, तो पहले तो सारी संख्याओं का योग क्या था, जब मीन हमने गलत पढ़ा था तब तो ये था, तो अगर हम करेक्टेड मीन की तरफ जाएं तो जो गलत संख्या पढ़ी उसको तो हटाओ सही को जोड़ो, उससे हमारे पास मीन सही हो जाएगा, हो गया।
अब हमें ये जो एक्स स्क्वायर है जो फॉर्मूले में आता है वो भी गलत है, क्योंकि इसको तो हमने सही कर लिया। इसको सही करने के लिए क्या करोगे आप, इसमें से क्योंकि ये स्क्वायर का सम है तो गलत वाली संख्या के स्क्वायर को माइनस करो, सही को प्लस, सही के स्क्वायर को प्लस करो, तब जाके हमारे पास समेशन एक्स स्क्वायर सही आएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर है सवाल के अंदर, ठीक है। मैं कैलकुलेशन कराऊंगा तो फिर टाइम कंप्लीट हो जाएगा आपका, पूरे क्वेश्चन ही नहीं हो पाएंगे। चलो जी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, उस टाइम पर दिमाग हमारा किस लेवल से चल पाता है। अब ये क्वेश्चन भी टफ नहीं है, लेकिन लिखने के अंदर इस तरीके से लिख दिया, बच्चा बावला हो जाता है सवाल को करते करते। बेटा f ऑफ x प्लस वाई, f ऑफ x प्लस वाई बराबर है हमारे पास एफ एक्स और प्लस है हमारे पास एफ वाई है। अगर आप इसमें x और y दोनों के बराबर 1-1 पुट कर दें, x बराबर 1, y बराबर 1 पुट कर दें, तो आएगा f2 का वैल्यू आएगा, और ये f1 प्लस f1 हो जाएगा 2f1 हो जाएगा। f1 का वैल्यू 7 है, 7 दूनी 14 हो जाएगा। अगर आप x बराबर इसमें 2 पुट करोगे, y बराबर अगर आप 1 पुट करोगे, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा हमारा f2 प्लस f1 आ जाएगा। f2 का वैल्यू 14 और f1 का वैल्यू 7, तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। आ गया क्या? तो इसका मतलब हमारे को समेशन करना है r बराबर 1 से, मतलब f1 प्लस f2 डॉट 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 fn तक का। f1 का जो वैल्यू है वो है 7, f2 का वैल्यू है 14, f3 का वैल्यू है 21, और ये है हमारे पास fn है। n टर्म्स तक का सम करना है, इन सम में से 7 कॉमन ले लो, तो 1 प्लस का 2 प्लस का 3 n टर्म्स का सम करना है, और वो n टर्म्स का सम क्या होगा, n n प्लस 1 अपॉन 2 के बराबर होगा। 7 इंटू n n प्लस 1 अपॉन 2, राइट आंसर आएगा ए ऑप्शन, ठीक है, है ना विनोद सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारे पास लिमिट का क्वेश्चन, दमदार सवाल है। 1 5 n 5 स्क्वायर, 5 की पावर n माइनस 1, टोटल ऊपर n टर्म्स है, नीचे 1 माइनस 25 की पावर n है, लिमिट है n टेंस टू इन्फिनिटी। हो गया। अच्छा बेटा, ये हमारे पास एक जीपी बन रही है ना, n टर्म्स वाली एक जीपी बन रही है, और इस जीपी के n पदों का योगफल निकालेंगे इस फॉर्मूले से, a आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ए का मतलब है पहला टर्म, आर का मतलब है 5 उसकी पावर एन माइनस वन अपॉन 5 माइनस वन करोगे तो कितना आएगा 4। नीचे वाली संख्या का डिवाइड करोगे 1 माइनस इसको 5 की पावर, ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस 5 की पावर 2n लिख दूँ क्या मैं, 5 की पावर 2n लिख दूँ, ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है जी। माइनस अगर हम कॉमन लेंगे यहाँ पे 4 था, 5 की पावर n माइनस 1 और 1/4 मल्टीप्लाई में इसको हम लिखेंगे a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब 1 माइनस 5 की पावर n और 1 प्लस 5 की पावर n, ऐसा लिख सकते हैं क्या, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 की पावर वापस 2n आ जाएगा। अगर आप इसको सोल्व करते हो तो ये टर्म इससे हमारी कैंसिल होगी, माइनस आ जाएगा, तो माइनस का 1/4 1 प्लस 5 की पावर n, आपके पास लिमिट है n टेंस टू इन्फिनिटी है। जब लिमिट इन्फिनिटी यहाँ पे पुट करोगे, 5 की पावर अनंत क्या हो जाएगा जी, 5 की पावर अनंत होगा अनंत, ये पूरा जो पार्ट है वो हो जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी, और 1/∞ का वैल्यू होगा 0। राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा। अरे बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं बेटा, बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल हैं। ये क्वेश्चन आपका टपक गया था एज इट इज, एज इट इज आपके एनडीए सेकंड 2023 में आया। क्वेश्चन नंबर 17 आसान है वैसे तो, हैं बहुत आसान सवाल है। जब आपको कोई फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा हो, कॉन्टिन्यूस दे रखा हो, तो 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 1 को इसके अंदर पुट करो, 1 को इसमें पुट करो, और 1 को नीचे वाले में पुट करोगे a प्लस बी बराबर साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1, 1 1 2 हो जाएगा, एक इक्वेशन बनेगी।
अगर आप 3 को नीचे वाले में पुट करोगे तो आएगा 3a प्लस बी बराबर, यहाँ पे 3 पुट करोगे पाई बाई 4 6 हो जाएगा। दो इक्वेशन आ गई, इसमें से इसको माइनस कर दो तो 2a बराबर आएगा 4a बराबर आ जाएगा 2 और b बराबर कितना आ जाएगा 0। a बराबर तो 2 और b बराबर 0। आपको a का वैल्यू पहले लिखना था फिर b का वैल्यू लिखना है, 2, 0 आएगा। ठीक है, चलो जी अगला सवाल। आपको दे रखा है ए प्लस बी बी के लंबवत है और 2a 2b प्लस a तथा a दोनों आपस में लंबवत हैं, तो आपको a और b में रिलेशन बताना है, क्या बनेगा रिलेशन। टाइम इज अबाउट टू कंप्लीट, टाइम कंप्लीशन पर है तो थोड़ा सा फास्ट करो ताकि 20 क्वेश्चन करवा दूं। a प्लस बी बी के लंबवत है, 2b प्लस a a के लंबवत है, तो आपको a और b में रिलेशन लाना है, क्या रिलेशन हमारा आएगा। बेटा a प्लस बी अगर a के लंबवत है, a प्लस बी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, b पर, तो इन दोनों का डॉट जीरो होगा। a प्लस बी का अगर आप b से डॉट करते हो तो जीरो आएगा, मतलब a वेक्टर डॉट b वेक्टर b डॉट b आएगा जो मोड b का स्क्वायर होगा बराबर जीरो, पहली इक्वेशन। दूसरा 2b प्लस a जो है, 2b प्लस a ये हमारा परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, a पर परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का डॉट अगर आप करते हो, 2b प्लस a का डॉट अगर आप a के साथ पे करते हो तो आएगा जीरो। ऐसे करोगे तो आएगा 2a डॉट b या b डॉट a, बात एक ही है, a डॉट a a के मोड का स्क्वायर होगा जीरो। यहां से आप a डॉट b का वैल्यू रख सकते हो जो क्या आएगा, माइनस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर क्या होगा जीरो। यहां से आएगा हमारे पास मोड ऑफ ए बराबर अंडर रूट 2 इंटू मोड ऑफ बी आ जाएगा, मोड ऑफ ए बराबर अंडर रूट 2 इंटू मोड ऑफ बी, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है क्या, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो देखा सवाल है, देखा इंफिनिटी वाला 19th नंबर का क्वेश्चन। सवाल बड़ा दमदार है, y बराबर x, a प्लस x अपॉन b प्लस x अपॉन a प्लस बेटा सवाल के कॉन्सेप्ट के ऊपर जाओ। मैंने ये कहा था कि ऐसे सवाल में जहां से रिपीटिशन होना स्टार्ट होता है, जहां से रिपीटिशन होना स्टार्ट होता है, a b वापस यहां से a आ गया, जहां से रिपीटिशन होना स्टार्ट होता है उन सारी संख्याओं को हम रिमूव कर देते हैं, इन सारी संख्याओं को हम रिमूव करेंगे। ठीक है, और इसको रिमूव करके बराबर में जो संख्या दे रखी है वो हम पुट कर देते हैं, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, वाई पुट कर देंगे। आ गई क्या बात समझ में, जहां से रिपीटेशन स्टार्ट होता है, ये देखो एक्स जो है ना वो यहां से आना वापस से स्टार्ट हो गया एक्स अपॉन ए प्लस, तो इन सारी संख्याओं की जगह क्या पुट कर देंगे, वाई। अब इसको देखो सोल्यूशन कैसे करेंगे, एक्स आपको दे रखा है एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन बी प्लस एक्स अपॉन वाई आ जाएगा। एलसीएम लोगे तो ये वाई हमारा ऊपर चला जाएगा, एलसीएम लेने से आ जाएगा एक्स अपॉन ए प्लस, ये वाई ऊपर जाएगा तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस का बी वाई आ जाएगा। सही है, अगर इसके नीचे एक मानकर एलसीएम लोगे तो ये ऊपर चला जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस का बी वाई, और यहां से आ जाएगा हमारा ए एक्स प्लस का ए बी वाई, और प्लस हमारे पास आएगा एक्स वाई आएगा। ये किसके बराबर है, वाई के बराबर है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए एक्स वाई प्लस ए बी वाई स्क्वायर, और प्लस हमारे पास आएगा एक्स वाई, कहाँ से आया वाई, एक्स वाई स्क्वायर आएगा। चलो देखते हैं, एक्स वाई स्क्वायर बराबर इधर आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, कहीं कहीं गड़बड़ हुआ है, कहाँ गड़बड़ हुआ है देखो रे भाई कैलकुलेशन में, इसकी जगह हमने रखा क्या वाई रख दिया, तो ए प्लस एक्स अपॉन बी प्लस एक्स अपॉन वाई, यहाँ से हमने एलसीएम लिया और एलसीएम लिया तो ये वाई हमारा ऊपर चला गया एक्स वाई अपॉन बी वाई प्लस एक्स, और ये ऊपर चला जाएगा एलसीएम के बाद में तो आएगा एक्स इंटू एक्स प्लस बी वाई आएगा, और यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स प्लस ए बी वाई और प्लस एक्स इंटू वाई बराबर में क्या है, वाई है। ये कह रहे तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ए एक्स वाई, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, और प्लस यहां पर होगा ए बी वाई स्क्वायर
और प्लस यहां से आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी वाई होगा। शायद कुछ न कुछ गड़बड़ है भाई साहब, सवाल में कहां मिस्टेक हो रही है बताओ। वाई को एक स्टेप ऊपर, नहीं नहीं डायरेक्ट नहीं हो सकता, यहां से देखो यहां पर ए और फिर यहां से बी आ रहा है, तो जहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है वहां से हम पुट करते हैं, तो इस बी प्लस एक्स के नीचे से ये स्टेप आना स्टार्ट हुई है वापस, ये वाली स्टेप देखो यहां पे थी शुरू में, तो इसकी जगह हम वाई पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा बी वाई। शायद कैलकुलेशन में एरर है, आंसर तो इसके अंदर शायद मेरे हिसाब से ए आंसर आना चाहिए। एक मिनट और देख लेता हूं मैं कैलकुलेशन। एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन बी प्लस एक्स अपॉन वाई, ऐसा होना चाहिए ये, ठीक है। अगर हम इसको एलसीएम करते हैं तो आएगा ये जो वाई होगा वो ऊपर चला जाएगा, एक्स अपॉन ए प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस बी वाई। एलसीएम वापस लोगे तो एक्स इंटू एक्स प्लस का बी वाई, और यहां से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ए एक्स प्लस ए बी वाई और प्लस एक्स इंटू वाई, वही आ रहा है क्या जो पहले था, बराबर में वाई है। नहीं साहब कुछ कुछ गड़बड़ है सवाल में, कहीं तो गड़बड़ है, क्या हुआ। चलो टाइम हो रहा है अभी तो, हाल फिलहाल मेरे हिसाब से आंसर इसके अंदर, चलो ठीक है मैं लगा दूंगा आंसर ए ऑप्शन आना चाहिए। नहीं नहीं इसमें आंसर आ रहा था लेकिन शायद कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है। चलो जी लास्ट क्वेश्चन बताओ क्या आएगा। ए आंसर आ रहा होगा है ना, हाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही होगी। चलो इसमें तो क्या ही टाइम दिया जाए बेटा, ये जो ब्रैकेट है वही ब्रैकेट आपको ऊपर बनाना है, ई की पावर एक्स, ये ब्रैकेट ऊपर बनाने के लिए आप इसमें एक प्लस कर दो और एक माइनस अगर आप करोगे तो माइनस का टू हो जाएगा। एक्स प्लस वन का होल क्यूब जो है वो दोनों के नीचे आप अलग अलग लिख दो, ये लो जी एक्स प्लस वन का होल क्यूब और इंटू क्या जाएगा डी एक्स, ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल होकर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया। अब आप देखो ये टर्म कॉमन है, इस टर्म का डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो आंसर आ जाएगा ई की पावर एक्स इंटू वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये आएगा राइट आंसर सी ऑप्शन, ठीक है जी। चलो भाई काम आपका खत्म हो गया, 20 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं ना, उसमें से एक क्वेश्चन शायद हो सकता है कैलकुलेशन क्योंकि टाइम की वजह से ऊपर नीचे हो गया है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद वंदे मातरम।